तो फाइनली मुंबई की सड़कों पे व्लॉगिंग करते हुए आपका भाई दिग्विजय अपने दो दोस्तों के साथ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज 16th ऑफ जैन है, टाइम हो रहा है 9:24, 10:30 बजे की मेरी गाड़ी है। मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं 12 साल पहले गया था। मैं 2009 में गया था उस जगह पे अपनी एक एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद से ऑलमोस्ट आज 12 साल हो रहे हैं, उसके बाद मैं आज जा रहा हूँ। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आई विल बी कैरिंग दिस बैकपैक विथ मी एंड आई एम गोइंग वाया ट्रैवल्स, और आते समय हमारी सवारी कुछ अलग होने वाली है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 साल के बाद जा रहा हूँ। मैं 2009 में गया था मुंबई एंड अपनी एक एग्ज़ाम देने के लिए AIEEE की, और उसके बाद से मैं आज तक, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुंबई एक बार भी नहीं गया हूँ। मतलब मैं 8 साल पुणे में रहा हूँ बट मुंबई गया नहीं। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैं मेरे एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ, जयेश, उसका कुछ काम है, सो आई एम गोना अकंपनी हिम विद द ट्रिप। सो वी आर गोइंग वाया ट्रैवल्स। अभी जस्ट नहा के बाहर निकला हूँ, बाल थोड़े बिखरे हैं, ट्रिम विम हो गया है। 10:30 बजे की मेरी गाड़ी है और अभी बस खाना खाना है, बाल बनाने, एंड विल हेड टूवर्ड्स द बोर्डिंग पॉइंट। तो आई सी यू इन अ बिट। ये हमारी गाड़ी है पीछे, बट ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है हमारी सीट पे, शायद डबल बुकिंग ले लिया, ऐसा कुछ पंगा हो गया। लेट्स सी। टुडे इज 17th of January एंड वी रीच्ड इन ठाणे एट 6:00 इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम लोग एक घंटा सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते रहे, कहीं पे होटल ढूंढते हुए, और कहीं पे भी हमें बजट फ्रेंडली होटल नहीं मिल रहा था। सो फाइनली हमने एक रिक्शा वाले से पूछा एंड ही गॉट अस हियर इन टू, क्या है, प्रवासी रेसिडेंसी। सो दिस इज़ द प्रवासी रेसिडेंसी जहाँ पे हम लोग रुके हैं ठाणे में, एंड आई गिव यू अ रूम टूर रियल क्विक बिकॉज अभी ये चेकआउट का टाइम हो गया है 10 बजे और 10:15 बज रहे ऑलरेडी। सो आई एम लिटिल बिट इन हरी, सो लेट्स गो, आई गिव यू अ टूर। This is a pretty nice hotel. So this is our room for today. अंदर घुसते से ये खूबसूरत सा मिरर है। This is the dressing area. This is the bed. अभी थोड़ा सा ये मैसी है, चाय कॉफ़ी हमारा हो गया है। We have TV, we have air condition here. ये हमारा दोस्त जयेश, here you get good amount of storage for all your clothes and luggage, and this side yahan pe attached toilet and bathroom hai. This is a pretty good room. फाइनली मुंबई की सड़कों पे व्लॉगिंग करते हुए आपका भाई दिग्विजय अपने दो दोस्तों के साथ। से हाय। ये विशाल भाई है और ये जयेश है। हम लोग मुंबई इसलिए आए क्योंकि जयेश ने कार्स 24 से दो कार परचेस किए और जो हमको यहाँ से सांगली लेके जाने। जयेश का बिजनेस है सेकेंड हैंड कार्स को लेना बेचना, और खुद का एक क्लोथिंग स्टोर भी है। और विशाल भाई जो है वो गाड़ियों के मैकेनिक है काफ़ी अच्छे, तो उनको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ है। दिस प्लेस वॉज हार्डली 1.2 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग चल के जाते हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, सो अभी वहाँ से कार पिक करेंगे, विशाल भाई अच्छे से इंस्पेक्शन करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि बहुत ट्रैफिक है इधर, एंड ऑफ कोर्स मुंबई में आए हो तो दो चीज़ें कॉमन रहती है,
एक तो ट्रैफिक और दूसरा मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बस बात खत्म। पुणे इज 149 किलोमीटर्स, इट विल टेक अराउंड 3 hours एंड नाउ वी आर फाइनली लीविंग। तो लास्ट शॉट और ये वाला शॉट, इसके बीच ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे का डिस्टेंस है। वो क्यों है बताता हूँ। मुंबई में मैं जिस मतलब इंटेंशन से गया था, मतलब घूमना फिरना ये वो सब हो नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअल में प्रायोरिटी कुछ और थी। जयेश को कार लेके वापस आना था एंड हमें दिन ख़त्म होने से पहले मुंबई से सांगली पहुँचना था। सो हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, घूमने फिरने दोबारा आ जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि जिस एक्सपेक्टेशन से हम लोग गए थे कि गाड़ियाँ हमको ऐसे ऐसे मिलेगी, शायद हमें कहीं ना कहीं वैसी गाड़ियाँ मिल गई, और एक गाड़ी लेने गए थे हम लोग, 2 गाड़ी उठा के लाए। तो अभी मुंबई से पूना तक मैंने ड्राइव किया, हम लोग अभी शेवरलेट की स्पार्क मॉडल 2016 मॉडल का कार है उसमें है, और एक नैनो भी परचेस की है, वो पीछे है ब्लू कलर की। तो मुंबई से पूना तक मैंने ड्राइव किया, तब कुछ खास शूट किया नहीं। पूना में एक ब्रेक हुआ, खाना हुआ, और बस हम लोग निकल रहे हैं अभी। पुणे में जब भी आता हूँ या जब भी पास करता हूँ ना कहीं से, तो मुझे ऐसे नॉस्टैल्जिया फील होने लगता है। सारे फ्रेंड्स लोग मेरे यहाँ पे, इतने साल में वहाँ पे रहा हूँ, बट कोई नहीं, सबसे मिलने का मौका नहीं मिला, किसी से भी इनफैक्ट मिलने का मौका नहीं मिला, बट नो प्रॉब्लम, फेब्रुवरी में फिर आ रहा हूँ। एक बड़ा सा राइड प्लान है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, तब मिल लूँगा अच्छे से अपने दोस्तों से। सो अभी पुणे लेफ्ट एंड वी आर अबाउट टू रीच सातारा। सांगली इज़ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड जयेश इज ड्राइविंग द कार। जयेश, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कार परचेस? यस यस, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने एक्सेप्ट किया था कार के बारे में, वैसे ही कार है, इनफैक्ट उससे अच्छी कार, अच्छी कंडीशन में कार है, और रेट वाइज तो मुझे बहुत ही अच्छी गाड़ी मिल गई। मैं गया था एक गाड़ी लेने के हिसाब से, बट मेरे जो बजट मैंने सोचा था उससे कहीं कम में मेरे को ये गाड़ी मिल गई, और बाकी बैलेंस में मैंने और एक गाड़ी खरीदी जो पीछे से आ रही है आगे तक। तो एक गाड़ी के खर्चे में 2 गाड़ी मिल गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और काफ़ी लोगों को ना ऐसा होता है कि मुंबई से गाड़ी हम लोग सेकेंड हैंड परचेस कर रहे हैं, मतलब गाड़ी में रस्टिंग होती है बिकॉज वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ह्यूमिड रहता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ कार्स ऐसी भी होती है जो अच्छे से मेंटेन्ड होती है। जैसे मेरे फ्रेंड सुपेकर ने ली है कार, उसकी शेवरली क्रूज है, उसके भी ठाणे हैं, मुंबई पासिंग है, बट गाड़ी मतलब विदाउट जीरो रस्ट और एकदम मिंट कंडीशन है। और ये दो कार्स हमने जो अभी परचेस करी है, ये भी ऑलमोस्ट बहुत ही एकदम टॉप नॉच कंडीशन में। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ सिर्फ मुंबई से गाड़ी ले रहे तो अच्छी नहीं होती, तो आई डोंट थिंक सो। तुझे क्या लगता है? बस चेक करके लेना चाहिए, आप कोई तो जो जानकार है उसको साथ में लेके जाओ, भले उसको 2-4 हज़ार रुपये उसकी फीस देनी पड़े, बट चेक करके लिया तो अच्छा रहेगा। अभी जो गाड़ी मैंने लिया है वहाँ से मेरे को उसका वैलिड PUC मिल गया है, कॉम्प्रेंसिव इंश्योरेंस मिल गया है, उसके मेरे पैसे बच गए। अभी यही सेम बजट की गाड़ी में मेरे संगली में अगर देता तो मेरे को कम से कम, मतलब जो प्राइस में मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से वहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा मेरे को मिल जाता। यहाँ मेरे को आने जाने का खर्चा खाली 5-6 हज़ार रुपये हुआ होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट बहुत होगा।
मैं एक गाड़ी के लेने एक गाड़ी लेने की हिसाब से आया, मैंने उसमें दो गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ। बिजनेसमैन है भाई अपना। जय सेठ। तो दूसरी लिया वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, पीछे से आ रही है, वो बाद में दिखाएगा आपको भाई। वो भी बहुत कम चली हुई गाड़ी है, 2014 की, जस्ट ब्रांड न्यू ही गाड़ी है वो। तो ऐसा सीन है, तो अगर मुंबई से गाड़ी लेने का कोई प्लान हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो गाड़ी अच्छे से, देखो डॉक्यूमेंट्स, देखो गाड़ी का कंडीशन, देखो हो सके तो अपने साथ में एक मैकेनिक लेके जाओ जो अच्छे से वेरीफाई कर सके और आपको बता सके कि भाई क्या सीन है। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ खाली हाईवे है। क्लाइमेट बहुत अच्छा पड़ा है देखो वहाँ पे, बारिश भी। क्लाइमेट यार, मतलब पुणे का क्लाइमेट इज ऑलवेज 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 बेटर देन एनी ऑफ द सिटी आई वुड से। अभी काफ़ी क्लाउडी सा हो गया है। So this is one of the things that I miss when I'm not in Pune. So अभी कहीं पे एक transition break लेंगे क्योंकि sundown हो रहा है तो light change होती है, तब driving के लिए भी थोड़ा सा easy हो जाता है अगर आप एक break लोगे तो। So this is a good exercise. So जब भी break लेते हैं मैं दूसरी गाड़ी भी दिखाता हूँ। And yeah, it's 200 kilometers left to reach Sangli. बहुत बकबक कर रहा हूँ, अभी सीधा मिलते हैं एक break के बाद। बारिश का नाम लिया और बारिश हाजिर। हल्की हल्की बारिश गिरने के बाद ना मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, गीले मिट्टी की, वो बहुत ही टेम्पटिंग होती है। मतलब तो ऐसा लगता है कि सच में कभी कभार मिलती है। हाँ सच में ऐसा लगता है कि साला मिट्टी में हाथ डालो और खा लो। किस किस को पसंद है कमेंट करो।